तो बच्चों लोग, इस सेशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक्साइटेशन थ्योरी के बारे में, ठीक है? एक्साइटेशन थ्योरी के बारे में, ठीक? तो ध्यान रखिए, एक्साइटेशन थ्योरी का अपन नीड क्यों पड़ा? देखो, हर थ्योरी के बहन कुछ ना कुछ स्टोरी होता है, ठीक है? बिना स्टोरी के कहानी क्या हो, अधूरा रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, केमिस्ट्री में पहले क्या होता है ना, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं फिर थ्योरी देते हैं, ठीक है? मतलब केमिस्ट्री में क्या, तो पहले कुछ आप ऑब्जर्व करोगे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरी दोगे। बट जरूरी नहीं कि थ्योरी हमें हर जगह वैलिड होगा। जैसे आप फीस में क्या करते हो, आप फीस में जो ऑब्जर्व करते हो उसकी थ्योरी होता है हमेशा वैलिड होता है, ठीक है? बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है मॉलिक्यूल्स, तो जो जो थ्योरी एक एक चीज को एक्सप्लेन करेगा, यानी एक ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा होगा, वो थ्योरी जरूरी नहीं कि सेकेंड ऑब्जर्वेशन को भी एक्सप्लेन करेगा, यानी या फिर उसको तुम हर जगह अप्लाई कर दो, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। केमिस्ट्री में किसी ऑब्जर्वेशन के लिए हम कोई थ्योरी देंगे, लेकिन वो थ्योरी में भी किसी और जगह वैलिड नहीं भी होगा, ये भी चीज आप दिमाग सेट कर लेना, ठीक है? तो ध्यान ना, एक्साइटेशन थ्योरी का नीड क्यों पड़ा? तो नीड इसलिए पड़ा क्योंकि आपके पास एक पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि हमेशा जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल होता है, आपका जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल होता है वैलेंस सेल का, वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, ठीक है? तो आपका जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल होगा वैलेंस सेल का, या बोल सकते हैं हम लोग आउटर मोस्ट सेल, ठीक? तो वैलेंस सेल के लिए हम कोड यूज करें आउटर मोस्ट सेल। तो अनपेयर ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस सेल पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग प्रोसेस, यानी जो बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड वही ऑर्बिटल बनाएगा जो कि अनपेयर्ड होता है, ठीक है? तो अनपेयर्ड का इस जैसे देखो, ये अनपेयर्ड हुआ, और अगर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो तो इसको क्या बोलते हैं, पेयर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयर्ड बोलते हैं, ठीक? तो हमेशा वैलेंस सेल का जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, वैलेंस सेल का जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल है वही पार्टिसिपेट करेगा केमिकल बॉन्डिंग प्रोसेस में, ठीक है? तो इसके हिसाब से जैसे बात करते हैं कार्बन का, ठीक है? यार, कार्बन का आपको कॉन्फिगरेशन पता है क्या होता है कार्बन का? जी, तो कार्बन होता है हीलियम 2s2 2p2, ये तो होता है। ये हो गया आपके पास कार्बन का कॉन्फिगरेशन, ये हो गया आपके पास कार्बन का कॉन्फिगरेशन। तो कॉन्फिगरेशन क्या आपके पास है, हीलियम नोबल गैस 2s2 2p6। इसका आउटर मोस्ट सेल क्या होगा? तो आउटर मोस्ट सेल इसका सेकेंड सेल होगा, आउटर मोस्ट सेल इसका सेकेंड सेल होगा आउटर मोस्ट सेल। इसका अगर तुम ऑर्बिटल पिक्चर को ड्रॉ करो तो क्या होगा, एस का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, क्योंकि एस में एक ऑर्बिटल होता है, दो और दो इलेक्ट्रॉन उसमें डालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेयर्ड। बात करते हैं पी का, तो पी में देखोगे तो पी में तीन ऑर्बिटल है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन डालना है, तो दो इलेक्ट्रॉन जब डालेंगे तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे हम लोग। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो इसका सेकेंड सेल, इसका जो सेकेंड सेल है, इस सेकेंड सेल इसका आउटर मोस्ट सेल है, और इसमें कितना अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, तो आपका अनपेयर्ड ऑर्बिटल आपको दो दिखेगा, आपको कितना दिखेगा, दो दिखेगा, दो ऑर्बिटल अनपेयर्ड है। तो अगर हम जो हम पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़े थे कि जो आपका अनपेयर्ड ऑर्बिटल है वही बॉन्ड बनाएगा, तो उसके बेसिस पे कार्बन कितना बॉन्ड बनाना चाहिए, तो कार्बन बनाना चाहिए दो बॉन्ड। कार्बन कितना बॉन्ड बनाना चाहिए, कार्बन बनाना चाहिए दो बॉन्ड, ठीक है? कार्बन बनेगा दो बॉन्ड। लेकिन आप लोग जानते हो, आप लोग 10th में पढ़ चुके होंगे कि कार्बन शो करता है टेट्रावैलेंसी, यानी कार्बन का क्या बनाते हो, आप बनाते हो चार बॉन्ड। कितना बनाते हो आप लोग, कार्बन का चार बनवाते हो, ठीक? तो कार्बन का चार बनवाते हैं आप लोग। तो ये चार बना के बने हैं कैसे, ठीक है? ये चार बन बनता क्यों है, तो कार्बन का चार बन बनने के बिहाइंड लॉजिक क्या सोचना, वो दे ध्यान देना। तो ये जो चार बॉन्ड का जो चक्कर है, यहीं से एक्साइटेशन थ्योरी का स्टार्ट होता है। तो बोला गया कार्बन का जो दो अनपेयर्ड था, ये था ग्राउंड स्टेट में था, मतलब जो जो नॉर्मल कॉन्फिगरेशन लिखते हैं उसका ग्राउंड स्टेट होता है। तो ग्राउंड स्टेट दो अनपेयर्ड है, दो अनपेयर्ड पे देखोगे तो दो बॉन्ड बनना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली कार्बन था चार बॉन्ड बनाता है, बट इन रियलिटी कार्बन फॉर्म करेगा चार बॉन्ड। तो चार बॉन्ड एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो बोला जाता है कि जो एस का इलेक्ट्रॉन है, एस में जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा पी में, यानी यहाँ पे जंप हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन, इसको बोला गया है पहली बार एक्साइटेड स्टेट जाना है, इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि एस का इलेक्ट्रॉन जब पी में जंप करेगा तो एस का इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गया, अब पैरेलली क्या हो गया, पी में भी तीन तीन इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गया, तो टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, चार हो चुका है। तो चार अनपेयर इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, चार बॉन्ड बनेगा, उससे क्या होगा, चार बॉन्ड फॉर्म करेगा। इस तरीके से
कार्बन का टेट्रा वैलेंसी को हम स्पिन करते हैं। इसका मतलब कार्बन जब भी बॉन्ड बना रहा होगा, कार्बन जब भी बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है, तो जब भी वो चार बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन किस स्टेट में होगा, तो क्वेश्चन कोई पूछता है, जब भी आपका कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा तो उस किस स्टेट में है, तो बोलोगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, क्योंकि कार्बन का चार बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास चार अनपेयर्ड होना चाहिए, तो उसको बोलोगे इसका एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, फर्स्ट होगा। ग्राउंड स्टेट में अगर होगा तो दो ही बॉन्ड बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन अगर चार बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है तो हमेशा बोलोगे कार्बन का जो स्टेट है वो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि आखिर एक्साइटेशन होता क्यों है, एक्साइटेशन होता क्यों है, इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, तो ध्यान देना इसी को। क्योंकि एक्साइटेशन जो प्रोसेस है, एक्साइटेशन प्रोसेस क्या होता है, एक्साइटेशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, ठीक। एक्साइटेशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक, मतलब इसमें एनर्जी डिमांड करता है, यानी आपको एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे बात कर रहे हैं कार्बन में क्या था, 2s था, 2s न्यूक्लियस से पास होता है, और फिर क्या था, 2p था, ठीक है। तो 2s का इलेक्ट्रॉन जब 2p में जंप किया होगा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप किया, ठीक है, एक सेकंड, चलो, तो यहाँ एस का इलेक्ट्रॉन जब पी में जंप करेगा तो एनर्जी का नीड पड़ेगा, क्योंकि एस से पी में एनर्जी का गैप है, यानी जो टू पी है उसका एनर्जी क्या होता है, हाई होता है। एनर्जी वाइज आप देखते हैं तो एनर्जी वाइज में देखोगे तो टू पी का एनर्जी ज्यादा हाई होता है, यानी जब एस का इलेक्ट्रॉन पी में जंप करेगा तो एनर्जी आपको देना पड़ेगा, एनर्जी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट है, जब एनर्जी आपको देना पड़ेगा तो फिर हो क्यों रहा है काम, यानी अनफेडिंग हो क्यों रहा है, तो इसका लॉजिक समझोगे कि अभी कार्बन दो बॉन्ड बनाएगा, अभी कार्बन दो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड जब फॉर्म करता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज बेसिकली एक अट्रैक्शन प्रोसेस है, बॉन्ड प्रोसेस बेसिकली एक अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन क्या है, इसमें एक अट्रैक्शन होता है, और जब भी अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होता है, यानी हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक, उसमें आप एनर्जी को क्या करते हो, रिलीज करते हो। तो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, तो अभी आप दो बॉन्ड बना पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या कि जब आप एक्साइटेशन कर दोगे ना, जब एस का इलेक्ट्रॉन पी में जंप कर जाएगा तो उसमें आप एनर्जी दे दिए, आप एनर्जी दे दिए, तो एनर्जी दे दिए तो क्या होगा, आपके पास अनपेड कितना होगा, अनपेड चार हो गया। आप तो आप यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स एनर्जी दे दी है, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट था डेल्टा एच, उसको मान लेते हैं ए दे दिए, पॉजिटिव ए एफ एनर्जी सप्लाई की है, इस एनर्जी को लेके क्या हो रहा है, आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन दो से चार हो गया। अब यहाँ पे होगा, जब चार अनपेयर होगा तो बॉन्ड का नंबर कितना बनेगा जी, तो बॉन्ड का जो नंबर होगा कार्बन वो बनाएगा, चार बॉन्ड बनाएगा, तो चार बॉन्ड से एनर्जी क्या होगा, एक्स्ट्रा निकलेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस बॉन्ड जब चार दो बॉन्ड अभी देखो कार्बन जब दो बॉन्ड बना रहा था यहाँ पे और दो से चार बॉन्ड बनाएगा, तो दो बॉन्ड एक्स्ट्रा बना रहा है, तो दो बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाएगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कुछ एनर्जी बाहर निकलेगा, तो उसको मान लेते हैं माइनस बी, जो बाहर निकलता है एनर्जी उसके लिए निगेटिव साइन होता है, उसके लिए निगेटिव साइन होता है। तो इस यानी आप जब एक्साइटेशन के तो आप प्लस एनर्जी दिए, और जब बॉन्ड बना तो एक्स्ट्रा एनर्जी निकला माइनस बी। अब देखोगे तो जो बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए से बड़ा होता है, यानी बी का मैग्नीट्यूड ए से बड़ा है, इसका मतलब जितना एनर्जी आप दिए थे ना उससे ज्यादा एनर्जी निकल गया बाहर, आप प्लस ए दिए, तो अगर आपको आसानी समझना आता है तो ना प्लस ए को आप ऐसा बोल दो कि +10 एनर्जी हम दे रहे हैं, और यहाँ पे जो बी इसको बोलते थे -30, मतलब आप 10 एनर्जी दिए हो लेकिन 30 एनर्जी बाहर निकल रहा है, 30 एनर्जी बाहर निकल रहा है, यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी इवॉल्व कर रहा है, इस पूरे प्रोसेस में आपका एनर्जी क्या हो रहा है, इवॉल्व कर रहा है। इसलिए एक्साइटेशन प्रोसेस होने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्साइटेशन प्रोसेस में जितना आपको एनर्जी देना पड़ेगा ना, उससे ज्यादा एनर्जी बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कैसे निकलेगा, थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि जब एक्साइटेशन होगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो बॉन्ड ज्यादा बनेगा, अब बॉन्ड ज्यादा बनेगा तो एनर्जी भी ज्यादा इवॉल्व करेगा। तो ऐसा बोला गया है कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उससे जो एनर्जी इवॉल्व करता है
वो कंपनसेट करता है इस एनर्जी को, यानी एक्साइटेशन प्रोसेस का जो एनर्जी है उसको कंपनसेट कर देगा, उसको कंपनसेट कर देगा। तो इसलिए एक्साइटेशन प्रोसेस एटम्स में ऑकर करता है, क्योंकि जो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर है वो उसके बाद वाले स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन से इवॉल्व कर जाता है। बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या होगा, इवॉल्व कर जाएगा। चेक, इसीलिए एक्साइटेशन प्रोसेस को हम लोग एज्यूम करते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया एक्साइटेशन का बिहाइंड रीजन। ठीक है, अब ध्यान देना, तो ये हो गया कार्बन के बारे में। तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट हो गया, ग्राउंड स्टेट में दो बॉन्ड बनाया कार्बन, जो कि होता ही नहीं है, क्योंकि कार्बन हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा पी में, चार अनपेड होगा और हमेशा कार्बन बनाएगा चार बॉन्ड। यानी जब भी कंपाउंड में कार्बन हमेशा बनाता है चार बॉन्ड, इसका मतलब कंपाउंड्स में हमेशा कार्बन का स्टेट क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं, चलो कार्बन के बाद बोरोन का तो ठीक, ध्यान देना बोरोन का कॉन्फिगरेशन देखते हैं। चलो तो बोरोन में होता क्या है, तो बोरोन में चेक करना, बोरोन होता है 2s2 2p1, 2s2 2p1। अब जो बोरोन है इसका ग्राउंड स्टेट का बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में कितना है, तो दो 2s का इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, और 2p का इलेक्ट्रॉन क्या है, 2p का इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड है, यानी उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2p में। तो ओवरऑल वैलेंस सेल क्या है, वैलेंस सेल में कितना अनपेयर्ड है, एक अनपेयर्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग जो बोरोन का ग्राउंड स्टेट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बोरोन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। बट होता है क्या कि बोरोन बनाता है तीन बॉन्ड, क्या बनाता है, बोरोन बनाता है तीन बॉन्ड। तीन बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो ध्यान रखना आपका जो एस इलेक्ट्रॉन है पी में जंप कर जाएगा। जब एस इलेक्ट्रॉन पी में जंप करेगा तो देखो जंप कर गया तो क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तीन हो चुका है। तो इस स्टेट में अब तीन अनपेयर्ड है तो तीन बॉन्ड बन सकता है। तो बोरोन का जो तीन बॉन्ड का जो रीजन है, इस तरह हम समझा सकते हैं कि बोरोन तीन बॉन्ड बनाता है क्योंकि बोरोन का जो बोरोन क्या होता है, अपने ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। जंप क्यों होगा भाई, तो जंप इसलिए होगा क्योंकि जंप करने के बाद बॉन्ड का नंबर तीन बनेगा और तीन बॉन्ड से एनर्जी ज्यादा निकलता है, तीन बॉन्ड से एनर्जी ज्यादा निकलेगा जो कि एक्साइटेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देगा। जब बॉन्ड का नंबर ज्यादा होगा तो ज्यादा बॉन्ड बनेगा, तो ज्यादा जब बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, एक्साइटेशन उसके एक्साइटेड स्टेट यानी जो एक्साइटेशन एनर्जी था रिक्वायर्ड था उसको क्या करेगा, उसको कंपनसेट कर देगा, ठीक। तो इस तरह से बोरोन का तीन बॉन्ड को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं, चलो बोलो नाइट्रोजन का। तो देखो यार नाइट्रोजन जो होता है तो नाइट्रोजन को दिख रहा होगा, नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या है, हीलियम 2s2 2p3। अब ध्यान रहा, 2s में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2s में पेयर इलेक्ट्रॉन है, और 2p में क्या है, सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो अल्टीमेटली पूरे वैलेंस सेल में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा थी, तो तीन अनपेयर्ड आपको दिख रहा है। तीन जब अनपेयर्ड दिखेगा तो आपके बॉन्ड का नंबर क्या होगा, तो बॉन्ड का नंबर 3 होगा। ठीक है, इसमें एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके पास कोई खाली जगह नहीं है। 2p में देखो सब जगह एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें और कोई खाली जगह बचा नहीं है, तो इसमें क्या होगा, एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। तो नाइट्रोजन में एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए इसमें एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब पॉसिबल आगे हो सकता है बट नॉर्मली क्या वो पी में एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं, तो एक्साइटेशन नॉट पॉसिबल इन 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 2p, इन 2p, 2p सबसे। क्यों, क्योंकि 2p में सारे जगह इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब है तो उसमें कहीं खाली जगह है क्या, नहीं। तो 2p में चूंकि कोई खाली जगह नहीं है तो 2p में एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे देखोगे तो नाइट्रोजन का नंबर कितना बॉन्ड बनाएगा, तो नाइट्रोजन बनाएगा तीन बॉन्ड। देखते हो जनरली का, जैसे अमोनिया है तो अमोनिया में कितना बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, तीन बॉन्ड। तो जब भी नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाएगा इसका मतलब नाइट्रोजन होगा ग्राउंड स्टेट में, क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में। ठीक, कभी कभी नाइट्रोजन बनाता है चार बॉन्ड यूजिंग कोटेड बॉन्ड। तो नाइट्रोजन चार बनाता है चार बॉन्ड जब हम कोटेड बॉन्ड का यूज करेंगे। कोटेड बॉन्ड होता क्या है, इसको हम बोलते हैं कभी कभी डेटिव बॉन्ड, तो डेटिव बॉन्ड होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उसको हम बताएंगे। अभी क्लियर रखना कि नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, इसका एग्जाम्पल का फिगर हम लास्ट में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस उसको देख लेना, आपको है नाइट्रिक एसिड, उसका फिगर बनाया हुआ है। इसमें देखोगे नाइट्रोजन एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, दो
एक डबल बॉन्ड बना है और एक डेटी बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो टोटल बॉन्ड के नंबर कितना हो गया, चार हो गया। ठीक, इवन देखोगे तो N2O5 पेयर बनाया हुआ है, N2O5 में देखना उसमें भी नाइट्रोजन का बॉन्ड का नंबर होता है चार। अब देखना किसी नाइट्रोजन को देखना इसमें चार बॉन्ड बना हुआ रहेगा। ठीक, इतना क्लियर है। लेकिन चार बॉन्ड बनाने का मतलब इसमें सैटिस्फाइड नहीं बोलोगे, क्योंकि इसमें जो चार बॉन्ड बन रहा है उसमें कहीं नहीं कि कोवेलेंट बॉन्ड का यूज हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का यूज हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन के बिहाइंड रीजन समझेंगे हम लोग, इसको एक्साइटेशन नहीं बोलते हैं, इसको हम एक्साइटेशन नहीं बोलेंगे। यानी नाइट्रोजन जो होता है ग्राउंड स्टेट में ही रखे चार बॉन्ड बना लेगा यूजिंग डेटी बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ध्यान ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है जी, तो 2s2 2p4। तो 2s2 2p4 का हम बात करेंगे तो यार क्या होगा, 2s में इलेक्ट्रॉन क्या पेयर्ड है, 2p में क्या है, 2p में दो अनपेयर्ड है, क्या है, दो अनपेयर्ड, तो इसमें दो बॉन्ड बनना चाहिए। तो आपका ऑक्सीजन में ग्राउंड स्टेट में दो बॉन्ड बनेगा जो कि सही है। ठीक है, और इसमें एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है 2p सबसेल में, क्योंकि 2p सबसेल में कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है। तो जब खाली नहीं है इसकी 2p में, तो वहां पर एक्साइटेशन क्या होगा, इसमें एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगा 2p सबसेल में। ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या होगा, दो बॉन्ड बनाएगा ग्राउंड स्टेट में, और तीन बॉन्ड बनाता है कभी कभी यूजिंग डेटी बॉन्ड। एग्जाम्पल ओजोन। तो ओजोन देखना जो सेंट्रल ओ है, एक डबल बॉन्ड बना रहा है और एक बना रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ओवरऑल बॉन्ड का नंबर कितना हो गया, तो ओवरऑल बॉन्ड का नंबर हो चुका है 3। ठीक है, अगर बात करते हैं फॉस्फोरस का, तो ध्यान ना जो फॉस्फोरस होता है ना, फॉस्फोरस का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, नियन 3s2 3p3। इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें देखोगे तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दिख रहा होगा, तीन दिख रहा है, तीन अनपेयर्ड दिख रहा है इलेक्ट्रॉन जब दिख रहा है, तो इसका ग्राउंड स्टेट में कितना अनपेयर्ड है, तीन अनपेयर्ड। तो ग्राउंड स्टेट में तीन अनपेयर्ड है, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में अगर फॉस्फोरस होगा तो तीन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि तीन अनपेयर्ड है। या फिर उल्टा सोचिए, इसको आप रिवर्स बोल सकते हो, जब भी फॉस्फोरस आपको तीन बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा, जब भी फॉस्फोरस आपको तीन बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस का जो स्टेट है वो है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, आप रिवर्स सोच सकते हो कि जिस जिस जगह पे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिस फिगर में फॉस्फोरस का तीन बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब क्या है कि फॉस्फोरस उसमें ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, अब ध्यान देना, क्योंकि फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो थर्ड पीरियड में क्या होता है कि डी ऑर्बिटल होता है, जैसे 3s3p है तो 3d भी होगा। तो फॉस्फोरस में देखो सेकंड पीरियड का एलिमेंट जो हमने पढ़ा था ना अभी तक, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उसमें क्या होता है डी ऑर्बिटल नहीं होता, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट में डी ऑर्बिटल मिसिंग होता है, इन वैकेंट अवेलेबल नहीं होता है। बट थर्ड पीरियड में 3s3p के साथ क्या होता है, 3d भी होता है, और 3d में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। इन 3d जो है, जो 3d का जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, वैकेंट है, क्या है, चलो वैकेंट है। तो 3d का एनर्जी लेवल क्या है आपके पास, वैकेंट पड़ा हुआ है। ठीक, अब होता क्या है कि आपका s का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो पेयर्ड है, और p में हर जगह एक अनपेयर्ड है, तो होता क्या, इसमें अगर बोलेंगे इसमें एक्साइटेशन कैसा होगा, तो एक्साइटेशन ऐसा होता है कि s का जो इलेक्ट्रॉन है वो जो d का खाली लेवल था, यहाँ पे 3d अवेलेबल है, तो 3d में 5 ऑर्बिटल होगा जो कि सारा का सारा क्या होगा, खाली होगा। तो होता क्या है, जो s का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वो दिख रहा है वो जंप कर कहाँ जाएगा, d में चला जाएगा, कहाँ जाएगा, d में चला जाएगा। तो 3s 3p 3d। ठीक है, तो टोटल प्रोसेस में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को दिख रहा है, चलो 1 2 3 4 5, टोटल कितना दिख रहा है, 5। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब 5 अनपेयर्ड से कितना बॉन्ड बनाएगा, तो 5 बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब आप उल्टा भी सोच सकते हो कि जब भी फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, तो उसमें फॉस्फोरस का स्टेट कौन सा होगा, तो बोलोगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलोगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जैसे एग्जाम्पल देख, आप लोग को लास्ट क्लास हम लोग फिगर बनाना सीखे थे, तो POCl3 का फिगर बहुत आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो POCl3 का फिगर हम बना के दिखा दिया आपको। अब देखो POCl3 में कितना फॉस्फोरस का बॉन्ड का नंबर कितना आपको दिख रहा है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, यहाँ पे चार, पांच। तो टोटल कितना बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है। तो जब भी 5 बॉन्ड बनाएगा तो फॉस्फोरस किस स्टेट में होगा, तो बोलोगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा।
सिमिलरली बात करते हो लोग सल्फर का, तो देखो ध्यान से यहाँ पे जो सल्फर होता है, सल्फर क्या होता है, नियन 3s2 3p4, नियन 3s2 3p4, ठीक। तो अगर बात करते हैं 3s2 3p4 का, तो अगर सर एक ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट में देखो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, तो दो अनपेड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दो अनपेड दिख रहा है। लेकिन आपको पता है कि सल्फर कहाँ का एलिमेंट है, तो ये थर्ड पीरियड का है। जब थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा तो आपको पता है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बाद इन थर्ड पीरियड से क्या होता है, वैकेंट डी का आना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, वैकेंट डी का आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसके बाद 3d होगा जो कि खाली होगा, यानी इसके बाद 3d होगा जो कि खाली होगा। तो ग्राउंड सेट में आपको दिख रहा है कि ग्राउंड सेट में कितना पेड़, दो पेड़ है, तो ग्राउंड सेट में सल्फर बनाएगा दो बॉन्ड। तो इसका हम एग्जाम्पल H2S है, जैसे H2S में क्या होगा, सल्फर के पास दो बॉन्ड बना हुआ है। जब भी दो बॉन्ड बनेगा इसका मतलब सल्फर का जो स्टेट होगा क्या होगा, वो होगा ग्राउंड सेट में, ठीक। अब ध्यान दोगे जो 3p के बगल में 3d खाली होगा, 3d आपके पास क्या होगा, खाली होगा। तो क्या होगा, आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है d में, तो ध्यान देना पहले जंप किससे होगा। तो देखो यहाँ पे एनर्जी लेवल देखेंगे तो 3s का सबसे कम होता है, फिर क्या होता है 3p का, और फिर क्या होता है 3d का। तो एनर्जी का ऑर्डर ऐसे चलेगा। तो देखो जंप पहले आसान जंप कहाँ से होगा, s से d में कि p से d में। तो यार जहाँ पे एनर्जी का मिनिमम होगा वहां से जंप करना आसान होगा, जहां से एनर्जी का मिनिमम होगा वहां पे जंप करना क्या होगा, आसान होगा। तो जंप पहले पी से करेगा, पी जो पी का पेयर है वो डी में जंप करके अनपेयरिंग करेगा, यानी पहला एक्साइटेशन क्या होगा, 3p से 3d में। आपका जो फर्स्ट एक्साइटेशन होगा वो होगा 3p से 3d में। तो 3p से 3d में जो एक्साइटेशन होगा, तो देखोगे टोटल अनपेड कितना हो चुका, तो टोटल अनपेड ना कन्वर्ट हो चुका चार, क्या हो गया, टोटल हो गया चार। यानी जब सल्फर अपने फर्स्ट एक्साइटेशन में जाएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा चार, यानी बॉन्ड का नंबर बनाएगा चार। जैसे SO2 का बात करते हैं, SO2 का फिगर तो बनाना सीख गए थे, और हम पूछेंगे SO2 में सल्फर का कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, तो तुम क्या बोलोगे, तो तुम बोलोगे कि ये अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा, ठीक। तो ये चीज ध्यान देना आप लोग। लेकिन याद है ना, यहाँ पे अभी सल्फर का ही बचा हुआ है, सॉरी सल्फर में आपका जो 3s है, जो देखो 3s है, 3s में इलेक्ट्रॉन पेयर है तो यही बचा हुआ है। तो अगले एक और क्या हो सकता है कि जो s का इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाए फिर से डी में। तो अगर s का इलेक्ट्रॉन अगर जंप करवा देंगे हम डी में, यानी यहाँ से यहाँ जंप कर गया अगर मान लेते हैं, तो अब कितना अनपेड हो गया, तो अब अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर हो चुका है 6, क्या हो चुका है 6, और इसको बोलते हैं लोग सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो अगर सल्फर का सेकेंड एक्साइटेशन होगा तो इसका मतलब टोटल अनपेल्ट्रॉन का नंबर कितना हो चुका है, तो टोटल अनपेल्ट्रॉन का नंबर हो चुका है 6। इसका मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में सल्फर का बॉन्ड का नंबर कितना होगा, तो 6 होगा। तो उसको आप रिवर्स भी सोच सकते हो, जैसे एग्जांपल देखिए SF6 में देखोगे तो सल्फर का कितना बॉन्ड है, तो 6 बॉन्ड है, ठीक है। तो पूछेगा कि SF6 में सल्फर किस एक्साइटेड स्टेट में अवेलेबल है, तो तुम क्या बोलोगे, तो तुम बोलोगे कि ये अपने सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। SO3 में देखोगे तो उसमें देखोगे बॉन्ड का नंबर कितना है, तो बॉन्ड का नंबर उसमें देखोगे तो बॉन्ड का नंबर 6 है। तो SO3 में भी क्या होगा, सल्फर का एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, तो बोलोगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। H2SO4 का बात करते हैं, तो देखो आप H2SO4 का फिगर बना हुआ है, H2SO4 के फिगर में देखोगे तो सल्फर कितना बॉन्ड बना रहा है, तो सल्फर का बॉन्ड का नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब क्या है, H2SO4 में भी सल्फर का जो एक्साइटेड स्टेट होगा वो क्या होगा, तो वो होगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में होगा, क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में होगा, ठीक। ये हो गया सल्फर के बारे में। चलो अगर हम बात करते हैं इसी कॉन्टिन्यूएशन में हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन है, तो ध्यान देना तो क्या होता है, नियन 3s2 3p5। इसके साथ क्या होगा, चूंकि जो क्लोरीन है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो यहाँ पे 3d क्या होगा, खाली होगा, 3d क्या होगा, खाली होगा। तो अगर हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट का, तो क्या होगा, 3s में पेयर्ड है और 3p में क्या है 5 है, तो क्या होगा अनपेयर्ड कितना हो, 1 होगा, अनपेयर्ड है 1 है, तो ग्राउंड स्टेट में 1 अनपेयर्ड, तो 1 बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा। एग्जांपल देखो CLOH, इसमें क्लोरीन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब क्या है, CLOH वाले कंपाउंड में क्लोरीन का जो एक्साइटेशन होगा, यानी किस स्टेट में अवेलेबल होगा, तो बोलोगे वो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। अगर बात करते हैं लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, तो एक्साइटेशन कहाँ होगा, यार क्लोरीन का 3p के बगल में 3d खाली होगा,
3d, तो आपका जो p का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होगा, d में जंप कर सकता है। s का इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा, d में। तो p और s में से पहले जंप किसका होगा, पहले जंप होगा p का, क्योंकि एनर्जी गैप क्या होता है, लो होता है। तो जब p से पहला इलेक्ट्रॉन जब जंप करवाओगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपका जो क्लोजिंग का बॉन्ड है वो कितना बना हुआ है, तो बना हुआ 3 बॉन्ड बना हुआ। क्या बचा हुआ बना हुआ है, बना हुआ 3 बॉन्ड बना हुआ है। ठीक, अब ध्यान देना, सिमिलरली अगर बात करें कि अगर सेकंड साइटेशन होगा तो सेकंड साइटेशन में क्या होगा कि जो जो यहाँ पे बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था पी में, वो भी क्या होगा, वो भी जंप कर जाएगा, वो भी जंप कर जाएगा डी में। तो अल्टीमेटली आपके पास कितना अनपेड हो गया, तो 5 अनपेड हो गया। इसका मतलब क्लोरीन के सेकंड साइटेशन में 5 बॉन्ड फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल देखो HClO3, ठीक है, HClO3 में देखोगे तो क्लोरीन का कितना बॉन्ड बना हुआ है, तो बना हुआ है 5 बॉन्ड। तो 5 बॉन्ड का मतलब क्लोरीन के अंदर 5 अनपेड होगा। 5 अनपेड करने के लिए आपको दोनों पी इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना पड़ेगा डी, तभी होगा 5 अनपेड। ठीक है, तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट होगा वो बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक, पहला पॉइंट है HClO4। HClO4 ध्यान देना, उस पर ध्यान देना। अभी भी क्या था, अभी सेकंड एक्साइटेशन में क्या था कि पी का इलेक्ट्रॉन बस जंप हुआ था डी, जंप हुआ था डी में। लेकिन अभी भी आपके पास क्या था, एस का इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, अभी भी आपका एस का इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इन 3s का इलेक्ट्रॉन अभी भी पेयर्ड है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी जंप कर सकता है डी में। अगर जब ऐसा होगा, इसको बोलते हैं थर्ड एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं, थर्ड एक्साइटेशन, यानी होता थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेशन में क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा टोटल 7। ठीक है, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कितना बड़ा बॉन्ड बनाएगा सिस्टम में मॉलिक्यूल, यानी क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा, तो बोलेंगे अब बनाएगा 7 बॉन्ड। क्या बनाएगा, 7 बॉन्ड। ठीक, इसको एग्जांपल से फिर सोच सकते होते हैं। जैसे एग्जांपल होता है HClO4, HClO जो 4 है, इस मॉलिक्यूल में आपका क्लोरीन का क्लोरीन कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो 7 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो जब भी 7 बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 7। और 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब कब होगा, जब क्लोरीन अपने थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आएगा। जब क्लोरीन अपने थर्ड एक्साइटेशन में होगा तो ये चीज हो सकता है। तो आपसे क्या होता है, आपको आपसे मॉलिक्यूल दे देगा, आपसे फिगर दे देगा, और आपको बोलेगा कि इसका एक्साइटेड स्टेट बताओ। तो अब क्या करना, पहले बॉन्ड बना लेना। तो अब देखो इस फिगर में बोलेंगे क्लोरीन का, क्लोरीन किस एक्साइटेड स्टेट में अवेलेबल है। तो पहले आप फिगर बना ले और फिर बॉन्ड का नंबर काउंट कर ले। बॉन्ड का नंबर काउंट कर लिया, अब अप्रोच कैसा होगा, तो बॉन्ड का नंबर चूंकि 7 है, तो क्लोरीन का जो ग्राउंड स्टेट होता है उसको लीक कर ले। ग्राउंड स्टेट ऐसा होता है क्लोरीन का, 3s2 3p5। ठीक है, इसका ग्राउंड स्टेट हो गया। अब चूंकि 7 अनपेड, आपको 7 बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा, आपको 7 अनपेड करना पड़ेगा। तो ये ग्राउंड स्टेट में कितना अनपेड है, एक ही अनपेड है। तो अब देखोगे 7 अनपेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले इसको जंप करवा। पहला साइटेशन कितना अनपेड होगा, 3 अनपेड होगा, फिर इसको जंप करवा दे तो 5 अनपेड। कौन सा साइटेशन, सेकेंड साइटेशन, फिर इसको जंप करवा दे तो अब होगा 7 अनपेड। अब होगा 7 अनपेड, यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आके 7 अनपेड होगा। इस तरह से हम लोग एक्साइटेड स्टेट बता पाएंगे, इस तरह से हम लोग एक्साइटेड स्टेट बताते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, इस पे कुछ क्वेश्चन दिया होगा आई थिंक, जैसे आप क्वेश्चन पूछा होगा कि आप बोला गया एफ के बारे में बताओ मेरे को, एफ यार एफ का कॉन्फिगरेशन आप लिख सकते हो। अब जो एफ में डी डी नहीं होता है, तो डी नहीं होता क्या होगा, एक्साइटेशन एक्साइटेशन नहीं होगा, एक्साइटेशन नहीं होगा। तो फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन हमेशा क्या होगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। और कितना बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये हमेशा इसका एक्साइटेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वैकेंडी खाली नहीं है, वैकेंडी वैकेंट डी हो या फिर वैकेंट ऑर्बिटल कहीं भी नहीं अवेलेबल है जहां पर जंप हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्लोरीन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। बात करते हैं सिलिकन का, तो ध्यान देना सिलिकन का जो कॉन्फिगरेशन होगा क्या होगा, 3s2 3p2। तो अगर अभी देखो तो अभी अभी के बेसिस पे, यानी इस कॉन्फिगरेशन में ग्राउंड स्टेट के बेसिस पे अगर बात करते हैं, तो आपके पास 2 अनपेयर्ड होना चाहिए था, तो यही 2 बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और अगर एस का इलेक्ट्रॉन पी में जंप कर जाएगा तो क्या होगा, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो चुका है, 5 हो चुका है, सॉरी 4 हो चुका है, कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। तो क्या होता है, अभी बनाएगा 4 बॉन्ड, यानी सिलिकन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा, सिलिकन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब उसके पास 4 अनपेयर्ड है। इसका मतलब वो किस एक्साइटेड स्टेट में अवेलेबल है, तो उसको बोलोगे वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अवेलेबल है। चेक, ये आप सोच सकते हो। ठीक है,
ये रहेगा टॉपिक अबाउट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है।